फोकस करिएगा ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन 2018 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बीकॉम सेमेस्टर 2। आइए देखते हैं। ग्रुप ए में भाई ई कॉमर्स है तो आप जानते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। बाइंग एंड सेलिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज नोन है। जब ई कॉमर्स के जरिए गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होगा उसे क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। क्या कहते हैं? चलिए, ई कॉमर्स क्रिएट्स। ई कॉमर्स कौन सा मार्केट है भाई? होलसेल मार्केट है कि रिटेल है कि कॉमन मार्केट है कि वर्चुअल है? वर्चुअल। वर्चुअल मैंने दिखाई नहीं देता है, खाली नेट में दिखाई देगा, समझे? चले दो के बाद तीन नंबर आ गए हमारे बच्चे। तीन नंबर में देखिए, विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स करेंटली कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ई कॉमर्स रेवेन्यू। सबसे ज्यादा इसमें से कहां पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट किया गया? बी टू बी। कहां पे? बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। सबसे ज्यादा कमाई जो हुआ बी टू बी में हुआ, ई कॉमर्स के जरिए। बिजनेसमैन किसको बेचा? बिजनेसमैन को बेचा। चलो, flipkart.com एंड amazon.com आर एग्जाम्पल ऑफ है। फ्लिपकार्ट एंड amazon.com आर एग्जाम्पल्स ऑफ किसका भैया? ई टेलर। क्या है? दुकान देखे हो ना, मोदी दुकान देखे हो? रिटेलर, जो होलसेल करता है होलसेलर, और जो ई कॉमर्स के जरिए रिटेल करता है, कहीं पीस बेचता है, उसको ई टेलर कहते हैं। रिटेलर से यहाँ ई टेलर। नहीं समझा? अमेजन एक पीस बेचेगा क्या हेडफोन? हाँ बेचेगा, समझे? ई टेलर है। फ्लिपकार्ट बेचेगा ना हेडफोन? क्या बोलता है? दर्जने में लेना पड़ेगा हेडफोन, क्या बोल रहा है आप लोग? ई टेलर है, समझा? रिटेलर की तरह ई टेलर, बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई सी आर एम एक्टिविटी? इसमें से कौन सा ई सी आर एम का एक्टिविटी नहीं है? ई सी आर एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप, देखिए, ऑपरेशनल एक्टिविटी, एनालिटिकल एक्टिविटी, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, सारे के सारे ई सी आर एम के पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटी, तकनीक से संबंधित काम करना, ई सी आर एम का पार्ट नहीं है। चलो सिक्स नंबर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस सी एम माने सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन एस सी एम का क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? मीट द सेलर नीड, सेलर का जरूरत को पूरा करना। मीट द कंज्यूमर नीड, अर्निंग प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ ये सारे चीज, सारे के सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। क्लियर? उसको कहते हैं एस सी एम। क्या कहते हैं? छः के बाद सात नंबर क्वेश्चन में आएगी। आ गए हमारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफलाइन पेमेंट? इसमें से कौन सा ऑफलाइन है? नेट बैंकिंग ऑनलाइन होता है, डिजिटल वॉलेट ऑनलाइन होता है, डेबिट कार्ड ऑनलाइन होता है, डिमांड ड्राफ्ट ऑफलाइन। UPI का फुल फॉर्म पढ़ाए थे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बोलो, इंडिया में तो पूरा फेमस है UPI, UPI से ही तो पेमेंट हो रहा है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बोलो। अरे गूंगा लोग, बोलो जोर से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलो, व्हाट डज ERP स्टैंड फॉर? ERP का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बोलो, ERP का फुल फॉर्म क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। जोर से बोलो, किसका फुल फॉर्म है ERP? किसका? चलो आगे बढ़ते हैं। दस नंबर, विच वन इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन ERP इम्प्लीमेंटेशन? ERP को लागू करने में मोस्ट क्रिटिकल स्टेप क्या होता है? गैप एनालिसिस। क्या होता है? गैप पर जाता है, उसको एनालिसिस करना। ग्रुप बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है? ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स सिनोनिम्स? नो, ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। हाँ, ई बिजनेस का ही सबसेट है ई कॉमर्स। सबसेट माने उसी टाइप का, उसी टाइप का। आउट ऑफ फॉलोइंग मॉडल विच वन प्रेजेंट्स ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस कहाँ आता है भैया? जी टू बी, गवर्नमेंट टू बिजनेस। ई गवर्नेंस माने सरकार का बात हो रहा है भैया, ई गवर्नेंस तो जी टू बी, जी टू बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्यारे बच्चे नॉर्मल है? पक्का नॉर्मल है? चलिए नेक्स्ट, थ्री नंबर आ गए हैं। ट्रांजेक्शन ब्रोकर्स मीन्स, ट्रांजेक्शन ब्रोकर का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल एजेंट। कौन सा?
ट्रांजेक्शन कराएगा आपको, बोलेगा पैसा दो चुपचाप, दलाल दलाल न्यूट्रल, उसका कोई काम नहीं रहता, पैसा लिए चल देगा, न्यूट्रल एजेंट। कस्टमर रिटेंशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ई सी आर एम मीन्स, कस्टमर रिटेंशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ई सी आर एम मीन्स, समझ पा रहे? करेक्ट आंसर जो होगा हमारा डी नंबर है, अप्रोचिंग कस्टमर टू बाई फॉर द प्रोडक्ट मीन्स अ पर्सनलाइज वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। ई सी आर एम का मतलब होता है कस्टमर को क्या करना है, अप्रोच करना, क्या करने के लिए, खरीदिए, खरीदने के लिए, और वेब बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरनेट के जरिए कम्युनिकेशन करेंगे। क्लियर? चार के बाद पांच नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा। इन विच टाइप ऑफ ई सी आर एम फीडबैक ऑफ कस्टमर्स एक्सपीरियंस इज इम्फेसिसाइज्ड, देख पा रहे? इम्फेसिस्ड, देखिए इन विच टाइप ऑफ ई सी आर एम फीडबैक ऑफ कस्टमर एक्सपीरियंस इज इम्फेसिस्ड, क्या है भाई? रेस्पॉन्सिव ई सी आर एम, किससे आप लोग खुश हो जाते हैं भाई, जो ई सी आर एम आपको क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है। सिक्स नंबर, द एस सी एम प्रोसेस इंटीग्रेट्स वैल्यू चेन कंबाइनिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज वन सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? फ्रंट इन टू बैक एंड, बोलो फ्रंट इन टू बैक एंड, फ्रंट इन टू बैक। आठ नंबर, इन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, रियल टाइम से रेफर्स टू क्या होगा भाई? एट द टाइम दे आर रिसेप्ट, ठीक है। डी नंबर, नौ नंबर में आइए क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज एनी ट्रांसफर ऑफ फंड इनिशिएटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर और मैग्नेटिक टेप सो एज टू ऑर्डर इंस्ट्रक्ट और ऑथोराइज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू डेबिट और क्रेडिट एंड अकाउंट, क्या होगा करेक्ट आंसर? EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT के जरिए जब करेंगे, समझ पा रहे हैं, बुद्धि में जा रहा है? डेबिट और क्रेडिट के जरिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए फंड ट्रांसफर करते हो ना भैया, उसको हम क्या कहते हैं? EFT, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिकली हमने फंड को ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली हमने फंड को ट्रांसफर कर दिया, इसको कहते हैं EFT। आइए दस नंबर, छोटा छोटा है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, आइए आ गए हैं, बहुत छोटा है, यस करना तो पड़ेगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फीचर ऑफ ERP, इसमें से कौन सा ERP का फीचर नहीं है, समझ रहे हैं? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड लोकेशन, टाइम और लोकेशन, ये क्या चीज ERP का फीचर्स नहीं है। चलो 11 नंबर, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ एनी ERP प्लेटफॉर्म ऑफर्स अ कम्प्रहेंसिव सेट ऑफ बेस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स फॉर बोथ डैश एंड डैश मैनेजमेंट, क्या होगा? पर्सनल और पेरोल, पर्सनल और पर्सनल माने कर्मचारी, पेरोल माने उसका साथ। करेक्ट आंसर जो होगा हमारा सी नंबर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 12 नंबर आ गए हैं, देखिए आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, पहचानना है कि पहला स्टेज कौन है, लास्ट स्टेज कौन है। पहला स्टेज क्या है? पहले ही मूल्यांकन करके जो लागू करना लागू करो, जिसको छाटा करना छाटा करो। प्री इवेल्युएशन स्क्रीनिंग, पहले ही मूल्यांकन कर लो, स्क्रीनिंग कर लो, क्या रखना क्या हटाना है। और लास्ट में पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, लागू कर दिए तो उसके बाद क्या सपोर्ट है, उसके बाद द फर्स्ट स्टेज प्री इवेल्युएशन स्क्रीनिंग है, लास्ट स्टेज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट है। सोशल कॉमर्स रेफर्स टू, सोशल कॉमर्स किससे संबंधित है भाई? ए काइंड ऑफ ई कॉमर्स दैट यूजेज सोशल नेटवर्क टू हेल्प द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बगल वाला पेज में ही 14 नंबर क्वेश्चन बगल में दिया हुआ है, देख रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कौन सा इसमें सर डिजिटल मार्केटिंग का मेथड नहीं है? एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग, इट हैज चेंज। बाकी सारा डिजिटल मार्केटिंग होता है भैया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्चुअल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सब डिजिटल है। डायरेक्ट मेल भेज दो, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया से मार्केटिंग करिए, वर्चुअल करिए, सब डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग इज नॉट अ
डिजिटल मार्केट, एफिलिएट माने किसी से मिल करके अपना प्रचार चला रहे, किसी के जरिए चला रहे एफिलिएट। इट हैज चेंज द वे वी सोशलाइज इंटरेक्ट एंड शॉप, इट रिफर्स टू ए कौन सा भैया चेंज कर दिया समाज को, दुकान से संबंधित को, कौन सा भैया सोशल कॉमर्स, बोलो क्या बोले हैं, सोशल कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर में आ गए। व्हाट इज मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बताए थे ना, कम्युनिकेशन का मतलब क्या देना भैया, इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, इमोशन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। When communication is called a business communication, कब कहोगे communication को business communication है? When, समझ पा रहे, when a person share information of business, share idea of business, समझ पा रहे, one business organization to another, one business organization to another, is called कौन सा communication, business communication। मैंने business communication का definition लिखना है, business communication means sending information, idea of business, one business organization to another business organization, it's called business communication। चलो discuss the barrier of communication from different viewpoints। हम ये बाहर पूछे थे गुरुकुल के तरह, कल रोड में पूछे थे, रोड में आप लोगों से याद आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर, सिमेंटिक बैरियर्स, और क्या साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल, समझ रहे, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, लैंग्वेज बैरियर्स, स्टेटस बैरियर्स, डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स नोट्स बना के दिए थे बेवकूफों, ये देख रहे हैं हमको दिए होंगे बोले दिए होंगे व्हाट रोल डज कम्युनिकेशन प्ले इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन लिखवाए थे, अंडरस्टैंडिंग, क्या था भाई अंडरस्टैंडिंग, यूज सिंपल लैंग्वेज, यूज अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ऑफ अनदर, कॉन्टेंट, ये सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन थे हमारे नोट्स के लास्ट में पहला चैप्टर का। हाँ दीदी बोलो, उनकी बोल चेन अपनी, सर सिर्फ उसका नाम ही लिखना है सर। नहीं दीदी एक्सप्लेन करना है, बुक में एक्सप्लेन करके है ना, तो थोड़ा कष्ट करके मेहनत करिएगा। आई व्हाट इज ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है, याद आ रहा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अनसिस्टमेटिक वे ऑफ कम्युनिकेशन, समझ पा रहे, अनसिस्टमेटिक वे ऑफ, समझ पा रहे, दिस कम्युनिकेशन गिव्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, गिव्स बर्थ ऑफ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, किसका बात कर रहे हैं, ग्रे पॉइंट, किसका, हाउ कैन कम्युनिकेशन इज बी मेड इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव होता है उसका लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंस वगैरह जो था वहाँ पे, समझ रहे हैं क्या क्या था, सिंपल लैंग्वेज रहता है, फ्री कम्युनिकेशन होता है, सिंपल लैंग्वेज रहता है हम लोग का, फ्री कम्युनिकेशन होता है, क्विक डिसीजन होता है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिस नेटवर्क के जरिए बात करेंगे उसको कहते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क, मार्क कर रहे थे पढ़ लीजिएगा। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का महत्व को बताना भैया, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का महत्व क्या होता है, जब कंपनी से संबंधित बात करेंगे उसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कहते हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का इन्फॉर्मेशन को लिखाया गया था, क्या इंपॉर्टेंस था भाई, कम्युनिकेटिंग द, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉई, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉई, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग, देख लीजिएगा, समझ पा रहे हैं किसका बात करें, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया, क्वेश्चन जो आया है। चलिए नेक्स्ट, चार नंबर, विथ एन इंक्रीजिंग यूज ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स और थीम्स टू ग्लोबल, तीन छूट गया क्या, और में भी है, होता क्या तीन, बगल में है, बगल में है, तो बगल में है, चार पाँच छः है, उसी का कोना में है, हाँ कोना में है भाई, कोना में। चलो, विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स द वर्ल्ड सीम्स टू बी अ ग्लोबल विलेज, जस्टिफाई अ स्टेटमेंट सुटेबल्स एग्जाम्पल्स, अरे भैया बुद्धि में जा रहा है, पूरा वर्ल्ड को लग रहा है कि भाई ये तो गांव ही का है, जो कि हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन बढ़ गया, तो मॉडर्न कम्युनिकेशन टूल्स क्या है, ईमेल, जीमेल, इसके बारे में लिखना है, लिख दीजिए, किस तरीके से क्या है, एडवांटेज फीचर्स, सब एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, पांच नंबर, ड्राफ्ट द मिनट्स ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू प्रिंट कंपनी लिमिटेड, मिनट्स लिखना है भैया, मिनट्स सिखाए थे ना चिड़ियाखाना के ऊपर लेख के तरह है, कि हमने गया मीटिंग में, इसको देखा, ये प्रेजेंट थे, वो प्रेजेंट थे, है ना तैना करना है, समझ, लिखवा दिए थे सुंदर से। ड्राफ्ट सीवी, देख लो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछ रहे थे ना आप लोग, कैसे पूछेगा,
सी भी लिखना, सी भी बताना अपने बारे में पूरा एकदम गुणगान कर देना। ड्राफ्ट से भी विथ कवर लेटर, ओ लेटर लिखना होगा, लेटर लिखवा देंगे आपको। कवर लेटर फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मार्केटिंग ट्रेनिंग इन अ लिमिटेड कंपनी। फिर राइट अ लेटर टू अ मैनेजर अ ब्रांच नेशनलाइज बैंक का, लोन के लिए भाई लोन लिखना है, लोन लेना है, इसके लिए बैंक को लेटर लिखना है। टू द बैंक मैनेजर, बैंक का नाम, सब्जेक्ट, डेट, रेस्पेक्टेड सर दिस इज टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन दैट आई एम ये वो, फिर जो अप्रोच करना लिखो। उसके बाद अपना फोटो लगा देना, अरे नहीं लगाना बेटा मजाक कर। चलो सर कैसा लेटर लिखना पड़ेगा,